जी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं जैसे मैंने नोटबुक पे स्केच बनाया था, सिर्फ ऊपर वाला स्केच, यानी कि डेट है, जमात का काम है, दिन मेंशन किया हुआ है आज का बुध, और उसके अलावा मैंने हमारा टॉपिक लिखा है दो हरफी हरूफ बनाए। ठीक है, दो हरफी हरूफ भी मैंने करेक्ट फॉर्मेशन के साथ लिखा है, आपने भी ऐसे ही बच्चों को नोटबुक पे लिख के देना है, साथ में टू फिंगर गैप के बाद आपने मार्जिन लाइन लगा के देनी है बच्चे को नोटबुक पर। उसके बाद मेरी चूँकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने टू कॉलम्स में ये पेज रेडी किया है बोर्ड पर, बट बच्चों की नोटबुक पर इतनी कम स्पेस नहीं होगी, आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप बच्चों को एक सीक्वेंस में मतलब ऊपर से नीचे सारे ये वर्ड्स लिखवा लें, या आप भी मेरी तरह ही दो कॉलम्स बना दें बच्चों को ताकि बच्चे जो उनसे हैं वो ये वर्ड लिख सकें। आपने ये छोटे हरूफ जो उनसे हैं नोटबुक पे बच्चों को रेडी नहीं करके देने, बच्चे बस मेरे साथ बड़े हरूफ यानी कि मुकम्मल शक्ल ही लिखेंगे। लिखवाने का मकसद यही है कि बच्चों को जो सा है पैटर्न आ जाए, किस तरह लिखना है, छोटी अशकाल को बड़ी अशकाल के साथ मिला के दो हरफी हरूफ बनाने बच्चों को आ जाएं, हमारा मकसद यही है। एक्टिविटी पैक पर ये काम जो सा है बच्चे पहले कर चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया वो तो ये काम एक्टिविटी पैक पर ही करेंगे, लेकिन जिन्होंने एक्टिविटी पैक पर ये काम कर लिया हुआ है वो इसको मेरे साथ अभी नोटबुक पर करेंगे। ठीक है, नोटबुक पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोटबुक पर आपको ये छोटी अशकाल और बड़ी अशकाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक पर बच्चे मेरे साथ सिर्फ दो हरफी हरूफ ही बनाएंगे। जिस तरह एक्टिविटी पैक पे बच्चे दो हरफी हरूफ लिखेंगे इसी तरह नोटबुक पर भी बच्चे दो हरफी हरूफ ही मेरे साथ लिखेंगे, छोटी और बड़ी अशकाल नहीं लिखेंगे। चलें आज का हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो उन्होंने छोटी और बड़ी शक्ल दी हुई है वो है, ये किसकी छोटी शक्ल है, बे की। बे के साथ अलिफ की मुकम्मल शक्ल है, बे अलिफ क्या बनता है, ब आ बा, ब आ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, क्या बना, बे अलिफ बा। तो अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे, कैसे जोड़ के लिखना है देखिए, सबसे पहले हम बे की छोटी शक्ल बनाएंगे, बे की छोटी शक्ल बनानी है हमने, देखिए सब इधर, बे की छोटी शक्ल कैसी होती है, बहुत ही आसान जी, ये बन गई हमारी बे की छोटी शक्ल और बे का एक डॉट। अब इस छोटी शक्ल को हमने अलिफ के साथ मिला देना है, तो ये कैसे, अलिफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और इसको हम इस छोटी शक्ल के बे की छोटी शक्ल के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा बे अलिफ बा, क्या बन जाएगा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, लिखे सब बच्चे बे अलिफ बा, ऐसे ही बे अलिफ बा। बे की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया तो बे अलिफ बा बन गया। उसके बाद अब हमने, हमारे पास क्या है, कौन सी दो अशकाल हैं, टे की छोटी शक्ल है और बे की मुकम्मल शक्ल है, टे बे टब, टब टब, टब टब, टब टब। तो टे की छोटी शक्ल को हम बे से मिला के लिखते हैं, टेबे टब। टे की छोटी शक्ल कैसे होती है, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन और ये छोटी सी इसकी टेल आ गई, तो ये बन गई हमारी टे की छोटी शक्ल। आप चाहे तो टे की तोएं अभी इसके ऊपर लगा दें। ठीक है, अब हमने बे की मुकम्मल शक्ल लिखनी है, तो अब हम इसके साथ बे की मुकम्मल शक्ल ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए बे कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन, आ स्लीपिंग लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन इज बे। ये देखिए ये हमारा बन गया टब टब, टेबे टब। हमारे पास अब हमारे पास अगली शक्ल छोटी शक्ल कौन सी है, जीम, और बड़ी शक्ल कौन सी है, अलिफ, जीम अलिफ जा। जीम को अलिफ के साथ मिला के लिखेंगे तो बनेगा हमारा जीम अलिफ जा, क्या बनेगा, जीम अलिफ जा। चले छोटी हम शक्ल बनाते हैं जीम की, जीम की छोटी शक्ल कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड आ टेल इज जीम, ये बन गया हमारा जीम। ठीक है ना, इसके साथ हमने अलिफ ज्वाइन करना है, तो चलिए अलिफ कैसे होता है, आ स्ट्रेट लाइन इज अलिफ, और देखें जीम अलिफ जा बन गया। ये तो बहुत आसान है दो हरफी हरूफ को मिलाना और लिखना, और इनको प्रनाउंस करना यानी कि इनकी आवाज निकालना भी बहुत आसान है, ज अलिफ जा, ज अलिफ ज आ जा,
ज आ ज ज आ ज। इसी तरह चे और अलिफ है च आ च च आ च। चलिए अब हम चे को अलिफ के साथ ज्वाइन करते हैं, कैसे? बिल्कुल जीम अलिफ जा की तरह, आ स्ट्रेट लाइन, आ स्लीपिंग लाइन एंड आर टेल इज चे। चे के आप डॉट्स भी लगा दें, ये हो गई चे की छोटी शक्ल। अब हमने इसको अलिफ के साथ ज्वाइन करना है, तो अलिफ क्या होगा हमारी, आ स्ट्रेट लाइन इज अलिफ। ये देखें, च च आ च, ज आ जा और च आ च। अब हमारे पास कौन सी छोटी शक्ल है, सीन की छोटी शक्ल है और उसके साथ है हमारा रे, सीन रे सर, स और र सर, स और र सर, स र सर। अब सीन की छोटी शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप सीन के शोशे लाइन को टच नहीं कर रहे, तो आपने इसकी छोटी शक्ल जब लगानी बनानी है यहाँ पे, तो उसको भी सीन के शोशों को आपने लाइन से टच नहीं करना। चलें जी, हवा में हम सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, मेरे साथ आप बच्चे भी बनाएं। सीन के कितने शोशे होते हैं, थ्री, वन टू थ्री एंड ये सीन की बन गई टेल। ये हो गई सीन की आधी शक्ल जो कि हमने हवा में बनाई है, बल्कि इसकी टेल तो लाइन के साथ टच करनी थी, जो कि मैं लाइन के साथ टच करना भूल गई। दोबारा से मैं लिखती हूँ, आप लोग देखें, सीन की छोटी शक्ल, एक दो तीन, तीन शोशे बन गए और सीन की टेल को मैंने लाइन के साथ टच कर दिया, ठीक है ना, सीन की टेल को मैंने लाइन के साथ टच कर दिया, तो ये बन गया मेरी सीन की छोटी शक्ल। उसके साथ मैंने रे को ज्वाइन करना है, तो इसी रे को देखिए, इसी टेल को मैं थोड़ा सा आगे ले जाके, ये देखिए, और मैं ऐसे ये स्लांट लाइन लगा दूंगी, तो ये हमारा अच्छा सा सीन रे सर बन जाएगा, सर 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 सर। लिखें आप लोग भी। चले जी, उसके बाद हम ये देखें, जात की आदि शक्ल, जात की आदि शक्ल भी हवा में ही है, सिर्फ उसकी टेल जो सी है वो लाइन को टच कर रही है, तो आगे हम मुकम्मल शक्ल में भी ऐसे ही लिखेंगे, जात और दाल, ज दाल जिद, ज द जिद, ज द जिद। चले जी, पहले हम ज़ुआत की आधी शक्ल बनाते हैं, किस तरह, ये ओवल सा बनता है हमारा एक, ये देखिए, ये बन गया हमारा ओवल, इसका आएगा एक शोशा और इसकी टेल, अगर इसका मुंह क्लोज नहीं है तो मैंने इसको अब क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं एक दफा से दोबारा अब आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, ये देखिए ज़ुआद कैसे लिखना है, क्योंकि ज़ुआद मुश्किल होता है इसलिए मैं हर दफ़ा रिपीट करती हूँ। इसको यहाँ से हम हवा में स्टार्ट करेंगे, ओवल बनाएंगे, ठीक है, लाइन से थोड़ा ऊपर, इसका एक शोशा और इसकी टेल लाइन को टच कर गई, ठीक है ना। अगर आपसे उस टाइम फेस इसका ज्वाइन नहीं होता तो आप इसको बाद में ज्वाइन कर लें। अब इसकी टेल बन गई, अब इसकी टेल के ऊपर आप, अच्छा पहले इसका डॉट कितने होते हैं, ज़ुआद के कितने डॉट होते हैं, वन डॉट। चलें जी, हमने ज़ुआद की छोटी शक्ल लिख ली, ठीक है, वन डॉट भी लगा दिया। अब इसकी छोटी शक्ल के साथ हम दाल ज्वाइन कर देंगे, दाल लाइन से नीचे जाता है नहीं, दाल लाइन से नीचे नहीं जाता, तो इसकी टेल के ऊपर ही हम दाल को यू करके बिठा देंगे, ये देखें, देखा कितना अच्छा लिखा गया है। मैं दोबारा से आपको ये पिछले वाले ज़ुआद के साथ दाल ज्वाइन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ज़ुआद का की छोटी शक्ल और इसकी टेल के साथ हमने ये देखे ये दाल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ज द जिद बन गया, ज द जिद, ज द जिद। अब हम लिखेंगे शब 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 शब, इसी तरह ही शीन के शोशे तो हवा में जाएंगे लेकिन शीन की टेल जो सी है वो लाइन को टच करेगी, यहीं पे हम उस तरह दोबारा लिखते हैं, शीन की आधी शक्ल,
शीन के कितने शोशे, 1, 2, 3 शोशे, और ये शीन की आदि टेप, ठीक है। और शीन के कितने डॉट्स, 1, 2, 3 डॉट्स, ये हो गई शीन की छोटी शक्ल, ठीक है। अब शीन की छोटी शक्ल के साथ हमने बे ज्वाइन करना था, शब 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 शब। तो ये देखिए, ये इसकी टेल है, इसके ऊपर हमने बे की एक बनाई स्ट्रेट लाइन। बे कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आ स्लीपिंग लाइन, एंड आ स्ट्रेट लाइन इज बे, शब 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 शब। देखिए मेरा शब कितना अच्छा लिखा गया है, शब 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 शब, लिख लिया सबने। चले अब हम हे की छोटी शक्ल को नुक्तों वाली काफ के साथ मिलाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हे की छोटी शक्ल भी हवा में है, सिर्फ टेल लाइन को टच कर रही है, तो हमने भी हे की छोटी शक्ल ऐसे ही लिखनी है और उसको काफ के साथ ज्वाइन कर देना है। कैसे बनानी है हमने हे की छोटी शक्ल, ये देखिए, जीन चे की तरह स्ट्रेट लाइन, आ स्लीपिंग लाइन, एंड आ टेल इज हे, ये बन गई गया हमारा हे। अब हमने इसके साथ काफ को ज्वाइन करना है, तो काफ कैसे ज्वाइन करेंगे ये देखें, हे की छोटी शक्ल के साथ मैं इसकी टेल को थोड़ा सा आगे ले गई और काफ का मैंने बना लिया एक सर्कल, काफ का मैंने बनाया एक सर्कल, और काफ को मैं नीचे ले गई और ये देखें मैंने लिख दिया काफ, काफ के दो डॉट्स, हे काफ हक, हक हक, हक हक, हक हक। और देखें काफ का जो सर्कल है वो लाइन को टच किया है, लाइन से नीचे नहीं गया। इसी तरह हे की टेल भी लाइन को टच की है, लाइन से नीचे नहीं गई जी। तो ये हमारी मेरी एक तरह से फर्स्ट लाइन जो सी है वो कंप्लीट हो गई है। आप एक दफा इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं, सब वर्ड्स की मैंने किस तरह बनाए हैं, दो हर्फी हरूफ हम लिख रहे हैं। अगला है हमारा खोए, खोए की छोटी शक्ल है, उसको हमने तोए के साथ मिलाना है। तो खत 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 खत, हमने अपना मार्कर भी चेंज कर लिया क्योंकि उससे लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम बनाएंगे खोए की छोटी शक्ल, खोए की छोटी शक्ल कैसे, स्ट्रेट लाइन, आ स्लीपिंग लाइन, एंड टेल, ये होगी हमारी खोए की छोटी शक्ल, ठीक है, खोए की छोटी शक्ल। और उसको अब हमने तोए के साथ ज्वाइन कर देना है। तोए किस तरह होती है स्टूडेंट्स, हाँ जी, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी बनती है टेल, और आ हाफ सर्कल इज तोए। अरे ये देखें, ये तो तोए और खे लिखते लिखते ये दोनों खुद ही ज्वाइन हो गए, है ना, खत 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 खत। मैं एक दफा दोबारा से आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये देखिए, खे की स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, एंड आर टेल इज, ये हो गई खोए की हमारी छोटी शक्ल। और तोए किस तरह लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन विद टेल, और जब हम इसका हाफ सर्कल बनाएंगे तो हाफ सर्कल देखें यहां से ये खोए के साथ ज्वाइन होके खत खत बन गया, खत 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 खत। आगे हम ते की छोटी शक्ल को मीम के साथ मिलाएंगे, ते की छोटी शक्ल को हम मीम के साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड डिफरेंट है क्योंकि हम ते की शक्ल को हवा में लिखेंगे, क्योंकि मीम की शक्ल भी हवा में ही आती है। तो इसीलिए ये देखें, ते मीम तुम, मैं दो दफा आपको लिख के दिखाऊंगी कि किस तरह लिखना है। पहले हम लिखेंगे ते की छोटी शक्ल हवा में, ये देखें, ये हो गई हमारी ते की छोटी शक्ल जो कि हमने हवा में लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम इसके साथ मीम को किस तरह ज्वाइन करेंगे, यहां से हम इसको यू इसका एक सर्कल बना देंगे। सर्कल बनाने के बाद हम इसको यहां से नीचे ले जाएंगे,
तो ये हमारा तेमीम तुम बन जाएगा, तेमीम तुम, तेमीम तुम। मैं आपको दोबारा एक दफा ये इसकी फॉर्मेशन दिखाती हूँ किस तरह हमने लिखना है। हमने बनानी है ते की आधी शक्ल हवा में, ठीक है, ते के ऊपर दो डॉट्स भी लगा दें। उसके बाद हमने इसका नीचे वाली साइड में सर्कल बनाना है, हाफ फुल सर्कल, लेकिन उसको लाइन के साथ टच नहीं करना, मीम को लाइन के साथ टच नहीं करना। और ऊपर से हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा तुम, तेमीम तुम, तेमीम तुम। और मैं फिर से कह रही हूँ, मीम लाइन से टच नहीं होगा, मीम का सर्कल ना ही ते लाइन से टच होगा। ये देखिए, ये ते की आधी शक्ल, इसके नीचे हम मीम का सर्कल बनाएंगे लाइन से ऊपर और उसको घुमा के वापस नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा तेमीम तुम बन जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नल, इसको हम लाइन के साथ ही टच करेंगे। नून की आधी शक्ल को लाइन से टच किया और उसके साथ हमने लाम को ज्वाइन कर दिया तो नल नल, नून लाम नल, नल नल, नल नल, नून लाम नल बन गया हमारा। इसी तरह ये जो हमारी हुक वाली हे है इसको हमने अलिफ के साथ ज्वाइन करना है तो ये देखिए कैसे बनेगा। हे की छोटी शक्ल और इसकी टेल करेगी लाइन को टच और इसके नीचे ये हमारी हे की हुक आ गई। और इसके साथ क्या ज्वाइन करना है हमने, अलिफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा हे अलिफ हा बन गया। हे अलिफ हा, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। अब हमने गाफ की आधी शक्ल को वाओ के साथ ज्वाइन करना है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि गाफ की आधी शक्ल जो सी है वो भी हवा में ही आएगी। ये भी मैं आपको दो दफा लिखना बताऊंगी। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आप पहले रे बना लें उसके बाद इस पे लगा लें वाओ का हाफ सर्कल, बन गया, ठीक है। उसके बाद आप इसके साथ गाफ की आधी शक्ल को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा गाफ वाओ गो बन जाएगा, ठीक है। आसानी के लिए आपके मैंने बताया है कि पहले आप वाओ बना लें, स्ट्रेट लाइन, अ स्लांट लाइन एंड अ सर्कल। वाओ का सर्कल लाइन को टच नहीं करता, वाओ का सर्कल लाइन को टच नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसकी लाइन है इसके साथ आप गाफ की आधी शक्ल को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा गाफ वाओ गो बन जाएगा, गवा गो, गवा गो। उसके बाद हमारा सीन और बढ़िए है, सीन और बढ़िए, सीन की ये शोशे हवा में हो रहेंगे लेकिन उसकी टेल को हम बढ़िए के साथ मिला देंगे, कैसे चले देखते हैं। ये देखें, सीन के शोशे हवा में ही आते हैं ना, सीन के शोशे आ गए लेकिन अब हमने सीन की टेल को भी हमने हवा में ही रखा है। सीन की छोटी शक्ल को आपने पूरा विद टेल हवा में ही रखना है और इसके इसी टेल को हमने आगे ले जाके बढ़िए बना देना है तो ये हमारा सीन बढ़िए से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सीन बढ़िए से तो हमने अपने पिछले लेसन में भी लिखा था, है ना, मुसव्वतों वाले लेक्चर में गाफ और गो भी लिखा था। हाँ, इनमें से मोस्टली वर्ड्स हमने पिछले लेक्चर में लिखे थे जब हमने मुसव्वतों के साथ मिलाना था इनको, ठीक है। और अब हमारा है सीन और नून, सुन, सीन नून सुन, सीन नून सुन। अब हमने सीन की छोटी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, उसकी टेल लाइन को टच करेगी। पहले हम सीन के शोशे बनाते हैं, वन टू थ्री, तीन शोशे बन गए और ये सीन की टेल,
सीन के शोशे हवा में, लेकिन सीन की टेल लाइन को टच की और इसके साथ हमने आगे नून को ज्वाइन कर दिया। ये भी बहुत आसान है, ये देखिए, ये हमने अच्छा सा नून के साथ इसको ज्वाइन किया, नून का वन नुक्ता, और हमारा सी नून सन बन गया। कोई मुश्किल था ये करना? मुझे तो नहीं लगा, और अगर मुश्किल लगा भी तो मैंने वो आपको लफ्ज़ 2 से 3 बार लिख के दिखा दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये है हमारी सारे वर्ड्स की मुकम्मल फॉर्मेशन, आप लोग एक दफ़ा देख ले। वैसे तो ये मैं वीडियो YouTube पर भी 2-3 दिन तक अपलोड कर दूंगी, अगर कुछ रह जाएगा, अगर कोई और दोबारा इसको डिटेल में आप देखना चाहें तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अभी आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने यही काम बच्चों को उनकी नोटबुक पर नेक्स्ट पेज पर करवाना है। यही सारे यानी कि यही 2 हर्फी हरूफ, सिर्फ और सिर्फ 2 हर्फी हरूफ आपने बच्चों को उनकी नोटबुक के नेक्स्ट पेज पर भी करवाने हैं होमवर्क में, ठीक है? ओके।